ये कोई 1.25 करोड़ का। कितने का? 1.5 करोड़ का। अभी तो 1.25 करोड़ बोला। बोला ना, पल पल में रेट बढ़ रहे हैं। चल सर जी, आप कैसी बातें करते हो? एक मिनट, आप मुझे एक्टिंग सिखा सकते हो? हाँ क्यों नहीं सिखा सकता, लेकिन तुम सीरियसली सीखोगे तो बताओ। अरे सर क्यों नहीं सीखेंगे, सिखाइए। देखो बॉम्बे में ऐसे सिखाते, जैसा मैं बोलूंगा जैसा मैं करूंगा वैसा आप करेंगे बोलेंगे एक्टिंग सीख जाएंगे। जैसा आप बोलेंगे जैसा करेंगे, अगर मैं वैसा करूंगा तो एक्टिंग सीख जाएंगे। हाँ यार हाँ, आप जिम्मेवार हो, इसने कहा है। एक्टिंग में ना एक एटीट्यूड होता है। एक्टिंग में ना एक एटीट्यूड होता है। मैंने अभी शुरू नहीं किया। मैंने अभी शुरू नहीं किया। ये कौन है यार? अरे खाली बोर्ड डिस्टर्ब कर रहा है। अरे खाली बोर्ड डिस्टर्ब कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं। मैं कितना हैंडसम हूँ यार, मैं कितना हैंडसम हूँ यार। मेरे बाल कितने अच्छे, मेरे बाल कितने अच्छे। मैं एक नंबर का कुत्ता कमीना। ये तो है, जो चीज है उसे मैं बोल नहीं सकता। जा तू कर ले। मैं हाय हाय, वाह वाह। एक बार हमारे कृष्णा के लिए तालियां हो जाएं। आप दुआ करिए कि हम ऐसे ही आपको हंसाते रहें, कॉमेडी करते रहें, नए नए शो करते रहें। और टोटल धमाल मूवी जरूर देखना, उसमें भी मैंने काम किया है। और जो फैन हैं, जो हमें फोन करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो मैसेज करते हैं। लेकिन कई लोग बहुत गलत फोन करते हैं, कई लोग ऐसे फोन करते हैं कि बेइज्जती कर देते हैं। एक बार फोन आया लखनऊ से, हेलो सुदेश जी। मैं कह हाँ जी। सुदेश जी हम यहाँ पे प्रोग्राम करा रहे हैं बहुत बड़ा, शान को बुलाया है, सोनू निगम को बुलाया है, हमने सोचा कि कॉमेडियन भी बुलाए तो कोई अच्छा होना चाहिए। मैं कह थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल समझा। नहीं काबिल कोबिल नहीं, कपिल शर्मा का नंबर है ये, कोई तरीका है। एक फोन आया रात को 12 बजे, बड़ी खुशी ली उसने, हेलो। मैं कह जी हेलो। हाय सुदेश कैसे हो? मैं कह जी बहुत अच्छा हूँ, आपसे मिलने। मैं कह मिलो। कहाँ? घर पे आ जाऊं। मैं कह घर पे भाई साहब नहीं होंगे? मैं भाई साहब ही बोल रहा हूँ। ऐसे भी आते फोन। तो जाते जाते मैं जैसे बताया था सिंगर हूँ, कई सिंगरों को स्टेज पे मौका मिलता है एक मिनट का, और गाने गाते हैं 20। मैं एक मिनट में 20 गाने आपको सुनाऊंगा, 20 नहीं तो 15 तो जरूर सुनाऊंगा। बजाना नहीं, क्योंकि बजाना भी नहीं। अगर आपको कोई गाना पसंद आ जाए तो ताली जरूर बजाना। अब ये सिंगर ऐसा है कि जिसको जो गाना याद आता है वही चल पड़ता है। पागल सिंगर पेश कर रहा हूं, बजाना मत। दिए जलते हैं फूलों का तारों का, सबका कहना है कहना है, आज तुमसे ये पहली बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है। हमारा दिल आज शायर तो नहीं मगर है यार, सुन यारी तेरी, मुझे नींद ना आए मुझे चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ बजा लो अब। थैंक यू सो मच। अनूप चिरोटा, उनके लिए जाते जाते, हनी सिंह के बहुत बड़े फैन हैं अनूप चिरोटा जी, और अनूप चिरोटा जी हनी सिंह के लिए क्या कह रहे हैं? आपको पता है अनूप चिरोटा जी ने हमेशा भजन गाए हैं, और हनी सिंह जी के लिए दो लाइनें गा रहे हैं जाते जाते। है हनी सिंह वो जो हर बात पे यो यो किया करे, है हनी सिंह वो जो हर बात पे यो यो किया करे, लोग करते हैं एक उंगली ये दो दो किया करे, चेन टोपी से शोभा नहीं है रैपर की, रैपर वो है जो गाने में दारू विस्की किया करे, आज ब्लू है पानी और दिन है सानी, प्लीज कम ऑन द बीच, फोटो आके फोटो मेरी खींच। तो जाते जाते फोटो जरूर खिंचवा लें, कल यही लगनी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।
आगे जो प्रोग्राम आने वाला है उससे पहले मैं कृष्णा को बोलूंगा जाते जाते हम जोड़ी में आपसे मिलके विदा लेंगे। थैंक यू वेरी मच जाजपुर। वाकई मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत अच्छा लगा, आपकी तालियां सीटियां एक एक्टर का जो है मनोबल बढ़ा देती। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू। जब इंसान को पैसे पहले मिल जाते हैं तो बाद में ऐसे कहता है आपकी जो तालियां हैं इसी से पेट भर गया, पैसे पहले ले लिए। इतने अच्छे हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, इन्होंने हर चीज हमें यहाँ लाना रखना, और सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी प्यारी ऑडियंस मिली है, ये नहीं मिलती। आप हम अगली बार भी आएंगे, चाहे हमें इससे डबल पैसे लेके क्यों ना आना पड़े। अभी और इतने सारे अच्छा आप लोगों ने मेरी फिल्म देखी बोल बच्चन, एंटरटेनमेंट देखी आप लोगों ने। अच्छा अभी दो तीन महीने में मेरी एक और फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है ये तेरी भाभी है पगले। तो अभी इतने सारे लोग हैं, मैं हर जगह पब्लिसिटी करता नहीं, लेकिन यहाँ से कम नहीं तो 2 करोड़ रुपया तो जाजपुर से आ जाएगा। अरे वाह, ऑडियंस है। नहीं तुमने कहा ये तेरी भाभी है पगले, मतलब कश्मीर शाह की मूवी आ रही। मैं अपनी फिल्म की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। खैर एंटरटेनमेंट आप लोगों ने देखी ना मेरी और अक्षय कुमार की, तो उस फिल्म के बारे में बता दूं कि उस फिल्म में पहले हम सुदेश जी को भी लेने वाले थे, लेकिन इनकी डेट की प्रॉब्लम आ गई थी तो हमने कुत्ते को ले लिया था। लेकिन एक बात बताऊं, आपने पोस्टर पे देखा होगा कुत्ते की फोटो लगी है, तेरी नहीं लगी, इतनी तेरी वैल्यू है सबको पता। अभी जो आ रही है ना उसमें लग रही है पोस्टर पे फोटो मेरी लगेगी ना। चलो हम दोनों को ऐसे ही प्यार देते रहिए, मुझे भी पसंद करते रहिए, मेरे दोस्त को भी इग्नोर करो जितना इनको भी पसंद करो। अच्छा एक छोटा सा वीडियो है जो मैं सोशल मीडिया पे डालना चाहता हूँ पूरा जाजपुर, बस आप लोगों की तरफ कैमरा करो एक बार जोर से चीखेगा आप लोग। अच्छा एक ये मेरे प्रोड्यूसर को भेजना मुझे, तो एक बार जोर से बताइएगा। ये जाजपुर ऐसे नहीं चलेगा, और जोर से ये तेरी भाभी है पगले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब एक बार मेरे लिए भी थोड़ी सी तालियां। दोस्तों मैं जाजपुर में हूँ और ये हजारों की तादाद, कम से कम 50,000 से थोड़ी सी कम शायद ऑडियंस होगी, इतना प्यार मिला है, इतना ये मेरे साथ ये भी है। हाँ लेकिन तालियां मेरे लिए थी।